आयो आयो हेलो एवरीवन, फिर से सभी का स्वागत है वसंत रुंगमांग चैनल पे। तो एक्चुअली मेरा वो ब्लॉग बन चुका है, तो आज का मेरा जो वीडियो रहने वाला है करजी लाबदांग बोल के यक्सुम का एक सबसे रिमोट एरिया है, उस जगह का मेरा वीडियो रहने वाला है। हम लोग घूमने के लिए गया था, तो मैं ब्लॉग बनाने के लिए कुछ प्लानिंग पे कुछ प्रिपरेशन पे भी नहीं गया था, पर भी मैं अभी वीडियो सिर्फ बना के अभी बात कर रहा हूँ। तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो करजी लाबदांग, सभी को पता ये एक यक्सुम का सबसे रिमोट एरिया है, तो रिमोट एरिया है पर भी जो वो गांव जाने वाला रास्ता था वो इतना ख़राब सा इतना बुरा था, तो मैंने वो रास्ता देख के ही मैंने वीडियो बनाया। क्योंकि हम लोग थार पे गया हुआ था, तो थार पे तो हम लोग 4x4 व्हीलर था हम लोग का, पर भी हम लोग का थार को जाने में इतना सारा दिक्कत हो रहा था, तो टाटा वगैरह को भी चलने में इतना दिक्कत हो रहा था वो रास्ता भी। तो आप लोग खुद सोचिए, आप लोग अगर आप लोग छोटा कार वगैरह लेकर जाएगा तो आप लोगों को कितना दिक्कत रहेगा, आप लोग खुद सोचिए और खुद बताइए। अगर तो मैंने उसके लिए ये वीडियो बनाया हुआ था, हमारे सिक्किम का कौन सा डिपार्टमेंट हमारे जो रिमोट एरिया है और रिमोट एरिया का रास्ता वगैरह को डेवलप करने में कौन सा डिपार्टमेंट देखता है मुझे पता नहीं, तो आप लोग खुद बताइए कमेंट करके कि कौन सा डिपार्टमेंट देखता है और वो रास्ता कैसा रहना चाहिए। तो सभी को पता ही है एक जो करजी लाबदांग है सबसे रिमोट एरिया है, पर भी रास्ता अच्छा रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप खुद अपने आप डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो रिमोट एरिया है हमारे जिसको डेवलप होने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले रास्ता ही करता है, तो अगर तो अपने आप वो डेवलप हो जाएगा। और आप लोग एक बात खुद सोचिए कि मैं भी सोचा था और आप लोग भी खुद सोचिए एक बात, अगर किसी भी हो आदमी हो चाहे औरत हो कोई भी हो, अगर कुछ उसको बीमार पड़ गया तो वो रास्ता से हम लोग का यक्सुम पहुँचने में शायद लगभग पाँच घंटा लग जाएगा। के साथ साथ वो रास्ता का हालत इतना ख़राब है, तो इतना बुरा है वो रास्ता, हॉस्पिटल पहुँचते उसको 4-5 घंटा लग जाएगा, साथ में साथ उसका वो रास्ता इतना ख़राब है कि उसको वो रास्ता से ही और हालत ख़राब कर देगा। आप लोग वीडियो का अंतिम तक देखिए और आप लोग खुद बताइए और खुद कमेंट कीजिए कि वो रास्ता कैसा रहना चाहिए, लाबदांग का रास्ता को डेवलपमेंट कराना चाहता है और इम्प्रूव लेना चाहता है, तो आप लोग ये वीडियो को शेयर कीजिए और शायद मेरा वीडियो से कुछ हेल्प हो जाएगा बोल के मैंने ये वीडियो बनाने के लिए दिल किया था, तो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। और मैं ये वीडियो फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ, मेरा फेसबुक पेज में भी मेरा बसंत रुंगमांग ही है और मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, तो आप लोग अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप लोग शेयर कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आज नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए ये वीडियो को, शायद ये भी मेरा वीडियो से हेल्प हो सकता है, तो मैं आशा कर रहा हूँ शायद ये वीडियो से कुछ करजी लाबदांग का रोड को डेवलपमेंट कराने के लिए शायद हेल्प हो सकता है। तो आप लोग जो पब्लिक है आप लोग भी डेवलप करते हैं ये करजी लाबदांग का, अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और अंतिम तक देखते रहिए। चलो चलो चलो, अभी ये टाटा जो है ऊपर आने के लिए नहीं सक रहा, रास्ता बहुत खराब है, इसके लिए अभी आप लोग देख सकते हैं। तो आयो आयो रोड हेर्नुहोस् है, पछाडि पनि हेर्नुहोस् यस्तो खराब छ, यो रोड खराब छ, यो रोड यति यो जग्गाको मान्छेहरूले बिमारहरू भयो भने चाहिँ हो नि रोडले नै मार्ने रहेछ।
यस्तो खराब छ यो रास्ता। दुईजनाको गफ ल्याउँ है, टाइम पास गरे है। अब त कति लाग्दैन है है, सबै यो गाउँ काटेर उयाँ पर भुसिएर निस्किन्छ। त उहीँ माथि होइन है, फेरि उयो माथिदेखि उता जाने त्यो रोड दामी रहेछ त ओए। यताको रोड होला यो पारेको, अम्बो यो रोड घुमेर गयो नि त। यो त पानी झरीमा त माथिदेखि घरहरू छोडेर आउँछ होला। कस्तो कस्तो मात्र घर बनाएर बसेको छ। भेडाको मासु हुँदैछ यहाँ, हाम्रो कर्ण दिदीले यहाँ भेडाको मासु बनाउँदैछ। भेडाको मासु तोङ्बा भेडाको मासु कर्जी मर्जी जाँडको घरमा चाहिँ दालमुरी खतम भयो। यहाँ स्पेसल ट्रिट हुँदैछ फुपूको बडा, फुपू नि देखाइदिएन हौ।
हाम्रो फुपू यता किन हाँसेको अन्त मासु यहाँ भेडाको मासु हुँदैछौँ यहाँ अहिले चाहिँ हामीहरू कर्जीमा छौँ छेउ बत्ती नै छैन कसले फिर्का दि कसले देख्छ नि यो दिएको सिपका मिट युक यो पनि लानु एक सुमै यो देखो भेडियाका सिंह हम लोग ये दो बास्केट में लेकर अभी यक्षम जाने वाले हैं एघार बजी त हामी चुम्मै थिएन अन्त एघार बाह्र एक घन्टा साढे घरमा बामा जाँदैछु म हो तपाईँले सपोर्ट गर्नु होला मेरो नाम चाहिँ बसन राई हो सपोर्ट गर्नु होला साढे घरमा पा इन्डिया सिजन 12 सिजन 135 नेट अन गरेको छ